स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। बहुत सारे स्टूडेंट के मन पे ये आता है, जो स्टूडेंट 10th पास हो जाते हैं या 12th पास कर लेते हैं या 8th क्लास पास हो जाते हैं, फिर उनके मन पे ये आता है कि हम कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्स कर लें और उस डिप्लोमा कोर्स का नाम है ITI या पॉलिटेक्निक। अब इनके मन में आता है कि ITI करें या पॉलिटेक्निक करें या डिप्लोमा करें, और ITI क्या होती है, पॉलिटेक्निक क्या होती है, किसमें सबसे ज्यादा नौकरी मिलती है, किसमें कितना पैसा लगता है, इन दोनों में करने के लिए ITI हो या पॉलिटेक्निक हो, इनमें करने के लिए एग्जाम कैसे देना पड़ता है, एडमिशन कैसे होता है, बहुत सारे ऐसे डाउट आते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो सभी स्टूडेंट के मन में आता है एडमिशन लेने से पहले। तो यदि आप ITI करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो दोनों का डिफरेंस जान जाइए कि दोनों का अंतर एक्चुअली पे है क्या। सबसे पहले मैं जो पॉइंट लेकर आया हूँ आपके सामने, तो पॉइंट डिस्कशन कर लेता हूँ कौन कौन से पॉइंट पे इसमें बात करूंगा। पहला पॉइंट है कि ITI क्या है और पॉलिटेक्निक क्या है, यानी ITI होता क्या है और पॉलिटेक्निक क्या होता है। दूसरी बात यह है, दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि ITI कौन कर सकता है, पॉलिटेक्निक कौन कर सकता है, यानी ITI कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ITI करने के लिए एज क्या होनी चाहिए या पॉलिटेक्निक करने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि ITI करने के लिए पैसा कितना खर्चा करना पड़ता है, और वहीं पर यदि पॉलिटेक्निक की बात करें पॉलिटेक्निक में कितना पैसा खर्चा होगा। फिर नेक्स्ट है जो पांचवा हमारा पॉइंट है, पांचवा है ITI कितने प्रकार की होती है, यानी ITI में कितने प्रकार के ट्रेड होते हैं, और पॉलिटेक्निक में देखा जाए तो पॉलिटेक्निक में कितने प्रकार के ब्रांच होते हैं, यानी आप कौन से ब्रांच से कर सकते हैं, कौन सा ब्रांच बेस्ट होता है। फिर इसके बाद आता है कि ITI कितने साल की होती है, यानी ITI करने के लिए हमें कितने टाइम देना पड़ेगा, कितने साल की होती है। वहीं पे देखा जाए पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है, यानी पॉलिटेक्निक जो कोर्स होता है कितने साल में कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे क्वालिफिकेशन, यानी ITI करने के लिए हमें क्या पढ़ाई करके ITI कर सकते हैं, या वहां पे पॉलिटेक्निक देखने के जाएं कि पॉलिटेक्निक करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें भी बात कर लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है परसेंटेज, यानी ITI करने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए और वहीं पे पॉलिटेक्निक करने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कोर्स कैसे करें, यानी ITI करना है तो हम कैसे करें, प्रोसेस क्या है, और वहीं पे डिप्लोमा करना है यानी डिप्लोमा कोर्स करने के लिए प्रोसेस क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस बता देंगे। फिर नेक्स्ट है कि ITI करने के बाद जो जॉब लगती है सैलरी कितनी मिलती है, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो। वहीं पे देखा जाए पॉलिटेक्निक में, यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद किस पद पर हम जॉब कर सकते हैं, क्या इंजीनियर रहेंगे या टेक्नीशियन रहेंगे या मैनेजर बनेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन सी पोस्ट पर जॉब कर पाओगे। फिर नेक्स्ट है कि ITI करने के बाद हम उसके आगे कौन सा कोर्स कर सकते हैं ITI से, और उसी तरह पॉलिटेक्निक करने के बाद हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद। ये जो 9 से 10 पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आया हूं तो पूरा A to Z आपको बता दूंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ITI टेक्निकल कोर्स में आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ITI क्या है। दोस्तों ITI एक प्रशिक्षण संस्था है, और ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था होती है, और ITI एक नॉर्मल 10th 12th वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। वहीं पे डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा एक पॉलिटेक्निक कोर्स होता है जिसको आप बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग ट्रेड की बात होती है, यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद आप एक इंजीनियर कहलाने लगोगे। तो यदि आप ITI करते हो तो ITI करने के बाद आप टेक्नीशियन कहलाओगे, वहीं पर यदि आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हो तो पॉलिटेक्निक के बाद आप एक इंजीनियर के पद पर जॉब कहीं भी कर सकते हो। ये दोनों का डिफरेंस है, नहीं ITI करोगे तो आप टेक्नीशियन की जॉब करोगे, यदि आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ITI कौन कर सकता है, पॉलिटेक्निक कौन कर सकता है। तो ITI करने के लिए क्वालिफिकेशन जो है, तो नॉर्मल यदि आपके पास पैसा कम है, आप एक कम पढ़े लिखे हो, आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपके पास मैथ कमजोर है, आपकी फिजिक्स कमजोर है, तो आप ITI कर सकते हो, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर पे। तो यदि आपके कमजोर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपने इंग्लिश कमजोर है, तो आप ITI कोर्स कर सकते हो, क्योंकि ITI में फिजिक्स केमिस्ट्री या इंग्लिश नहीं होता। वहीं पे पॉलिटेक्निक में देखा जाए तो ITI वो पॉलिटेक्निक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश होती है, थोड़ा सा पॉलिटेक्निक कोर्स टफ होता है, तो वही स्टूडेंट कर सकता है जो थोड़ा पढ़ने लिखने में अच्छा हो, जिसके पास पैसा ज्यादा हो तो पॉलिटेक्निक कर सकता है। और ITI करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, 8वीं क्लास 10वीं क्लास नॉर्मल, कोई भी कितना भी परसेंटेज कम है फिर भी आप ITI कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है फीस। ITI की जो नॉर्मल फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो 5 से 6 हजार रुपये होती है, और वहीं पे पॉलिटेक्निक की कॉलेज की बात करें तो 10 से 12 हजार रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है। यदि यहीं पे ITI प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की 25 से 30 हजार रुपये फीस होती है ITI की।
और वहीं पे पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक के 35 से 40 हज़ार रुपये पर ईयर की कोर्स होती है पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप पॉलिटेक्निक किस ब्रांच से कर रहे हैं, फीस उसमें थोड़ा कम ज़्यादा लग सकती है। इसी तरह आईटीआई में आप किस भी कौन से ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको डिपेंड करेगा आप कौन सी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, उसमें पैसा थोड़ा 2-4 हज़ार रुपये कम ज़्यादा हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आईटीआई कितने प्रकार की होती है और पॉलिटेक्निक कितने प्रकार की होती है। दोस्तों आईटीआई के ट्रेड देखा जाए तो 60 से 70 ट्रेड होते हैं, उसमें से मैं अलग से वीडियो बना दिया था। और एक पॉपुलर ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो गया, फिटर ट्रेड हो गया, बिल्डर ट्रेड हो गया, प्लम्बर ट्रेड हो गया, मैकेनिकल ट्रेड हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड हो गया, बायरमैन हो गया, कोपा ट्रेड हो गया, तो बहुत सारे आईटीआई में ट्रेड होते हैं। उसी तरह पॉलिटेक्निक में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, तो उसी तरह पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं। पॉलिटेक्निक को बोला जाता है ब्रांच और आईटीआई के जो होते हैं ट्रेड माने जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि आईटीआई कितने साल की होती है और पॉलिटेक्निक कितने साल की होती है। दोस्तों आईटीआई जो होती है तो 2 साल की होती है, 6 महीने की होती है, 1 साल की होती है। वहीं पे पॉलिटेक्निक देखा जाए तो पॉलिटेक्निक कंप्लीट 3 साल की कोर्स होता है। आईटीआई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और पॉलिटेक्निक करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो आईटीआई करने के लिए क्वालिफिकेशन आप यदि 8वीं पास हो, 10वीं पास हो तो आप आईटीआई कर सकते हो। वहीं पे पॉलिटेक्निक करने के लिए मिनिमम आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, तभी आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो। 8वीं पास स्टूडेंट आईटीएम जो एडमिशन लेता है उसको 6 महीने का कोर्स मिलता है, 1 साल का कोर्स मिलता है। यदि आप आईटीआई 10वीं पास से कर रहे हैं तो आपके लिए 2 साल का कोर्स मिल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, बिल्डर हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो 10वीं से 2 साल के कोर्स होते हैं। और पॉलिटेक्निक आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए, तभी आप आसानी से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आती है कि आईटीआई करने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए और पॉलिटेक्निक करने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो आईटीआई करने के लिए जो परसेंटेज होता है तो डिपेंड करता है कि आप एडमिशन कहाँ ले रहे हैं। जैसे आप गवर्नमेंट आईटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छा खासा परसेंटेज होगा, तभी आपके अच्छे खासे ट्रेड मिल जाएंगे। और यदि आप प्राइवेट आईटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके 35% भी है 10th में या 8th क्लास में, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा प्राइवेट आईटी कॉलेजों में। क्योंकि गवर्नमेंट जो कॉलेज होती है आईटीआई के, वहाँ पे परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, कॉलेज अलाट होती है। प्राइवेट में तो कितना भी परसेंटेज कम है फिर भी आपका एडमिशन डायरेक्ट जाकर आप ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स की बात करें, पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका एग्जाम होता है। एग्जाम में नंबर के हिसाब से आपको ब्रांच मिलेगा और नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज अलाट होगी। वहीं पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है पॉलिटेक्निक के लिए तो कितना भी परसेंटेज कम है तो आप डायरेक्ट जाकर 10th पास हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ये दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कोर्स कैसे करें। दोस्तों आईटी कोर्स करने के लिए और पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए कुछ नहीं करना, नॉर्मल मई जून जुलाई में फॉर्म भराता है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए और एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह डिप्लोमा का कोर्स एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए और आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आईटीआई कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है और पॉलिटेक्निक करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो आईटीआई कोर्स करने के बाद जो सैलरी है तो आपको 15 से 18 हज़ार रुपये पर ईयर मंथ मिलेगी, और पॉलिटेक्निक करने के बाद 25 से 30 हज़ार रुपये आप स्टार्टिंग सैलरी उठा सकते हैं। यदि आपके पास स्किल यानी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। गवर्नमेंट जॉब आईटीआई करने के बाद जैसे लोको पायलट हो गए, रेलवे में टेक्नीशियन हो गया, बहुत जगह आप टेक्नीशियन के पद पर जा सकते हैं, उसकी सैलरी 35 से 40 हज़ार रुपये होती है। और वहीं पे और आईटीआई करने के बाद आप टेक्नीशियन के पद पर जॉब करोगे और पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जेई यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर जॉब करोगे, तो जूनियर इंजीनियर की सैलरी 40 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ होती है गवर्नमेंट सेक्टरों की। फिर बात आती है कि आईटीआई करने के बाद आप दूसरा कोर्स कौन सा कर सकते हैं। तो आईटीआई करने के बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप होती है, 1 साल का ट्रेनिंग होती है। आईटीआई करने के बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद आप पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं आईटीआई करने के बाद, आपको 1 सेमेस्टर की छूट मिलेगी, यानी आपको 5 सेमेस्टर का ही कोर्स करना पड़ेगा, यानी 2.5 साल में ही आपकी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाती है आईटीआई से यदि आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो। उसी तरह डिप्लोमा से आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में 1 साल का आपको छूट मिल जाएगा, यानी बीटेक 3 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पॉलिटेक्निक करने के बाद आप प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं।
तो ये जो आपके आईटीआई और पॉलिटेक्निक जो डिफरेंस थे, बहुत सारे शायद आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अब यदि आपके पास किसी भी प्रकार के डाउट हैं कमेंट कर सकते हो। शायद ही आपके पास कोई डाउट हो, सारे डाउट तो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, अब किसी के पास डाउट होगा ही नहीं। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।